बड़ी खुशी की बात है कि सैयद हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन इनका उर्स हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष सालाना उर्स को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 100वें उर्स के लिए मैं बाबा ताजुद्दीन इनके सभी श्रद्धालु और भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा ताजुद्दीन इनके चरणों में नमन करता हूँ। ताजुद्दीन बाबा सदा ही नागपुर और कई जगह से आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणा स्थान रहे हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर दर्शन करने हेतु वो जाता ही है। विगत कुछ वर्षों में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब राज्य सरकार की ओर से ताजबाग के विकास हेतु काफी फंड हमने मुहैया कराया। इससे कई विकास के कार्य यहाँ पूर्ण हो सके। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी सुविधाओं का निर्माण हो सका। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आगे भी राज्य सरकार मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, तत्पर रहेगी। फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा ताजुद्दीन इनको शत शत नमन करता हूँ। नमस्कार। महान संत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा, इनका विशेष रूप से नागपुर से एक गहरा रिश्ता रहा है। उनके कारण पुराने काल से अनेक लोगों ने उनके ऊपर भक्ति और श्रद्धा रखी है। वो अनेक लोगों के प्रेरणा के स्तोत्र भी रहे हैं और नागपुर में सभी जात पंथ धर्म भाषा के लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे एक महान संत, विशेष रूप से 100 साल पूरे हो रहे उस शरीफ को, ये 100 साल जो है, ये 100 साल का इतिहास बाबा ताजुद्दीन बाबा के हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि इसका बड़े प्रमाण पर बहुत बड़ा पुनरुत्थान भी हुआ है। मंदिर भी, जो हमारा ताजुद्दीन बाबा की जगह है, दरगाह है, वो भी बहुत अच्छा बना है। और विशेष रूप से अभी प्रामाणिकता से एक एक पैसा जो जमा हो रहा है, उसको समाज के गरीबों के, शोषित पीड़ित लोगों के लिए खर्चा होना चाहिए। आजू बाजू में गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए और बाबा ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि लोगों को, गरीब लोगों को इसका आधार मिलेगा। और ईमानदारी से बाबा की सेवा करते हुए इन गरीबों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, यही ईश्वर की सेवा है, यही हम सब मानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विदेशों से, बाहर से अनेक लोग आ रहे हैं। उन सब लोगों का मैं स्वागत भी करता हूँ नागपुर के सांसद होने के नाते। और विशेष रूप से अमन शांति का, भाईचारे का एक अच्छा संदेश इस 100 साल के पुराने उस शरीफ के द्वारा निश्चित रूप से इस मौके से पूरी जनता को मिलेगा। मैं फिर से एक बार बाबा ताजुद्दीन बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।